ना जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी नमक पीसती और उनको भी ककड़ी खिलाती। तो आपके लिए है ये ककड़ी, बट इस पे ना मिट्टी लगी है, उसको मैं साफ कर दूं। और यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आ गए। हाय करो रे। हाय हाय ले रे। हाय ब्रो कनुआ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है सोनी नेगी और आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही हमारे गांव के रास्ते से। और फिलहाल तो मैं जा रही अभी लक्ष्मियों के लिए। ये रहा मेरा जूड़ा और मेरे ससुर जी चले गए आगे से, क्योंकि उन्होंने ना लकड़ी फाड़नी है, इसलिए उनके साथ मैं जा रही। तो मैं वहाँ से लकड़ी लाऊँगी भाड़े पर, तो मैंने इसलिए ये जूड़ा भी रखा है और रास्ते ही रास्ते चलती हूँ। आजकल ना पहाड़ों में ठंडा भी होने लग गया है, फिलहाल तो आज धूप लगी है, बट सुबह शाम ना भयंकर वाला ठंडा लग रहा। और ससुर जी और तो चले गए, मुझे भी जाना होगा जल्दी से भाग भाग के, ठीक है। और पता नहीं ससुर जी भी कहाँ चले गए। आजकल ना जंगल के रास्ते में बहुत दिनों में आ रही सामने पे वो जंगल, वहाँ हम काफल लेने भी गए थे एक बार, और एक बार घास के लिए भी गए थे शायद से, और इधर से आगे गांव के ले जाता है ये रास्ता। आज ना स्टैंड लाना भी भूल गई मैं, और बिना स्टैंड के तो काम कैसे चलेगा। फिर भी देखती हूँ कि क्या होता है, कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। लाइफ है ये, तो ज़िंदगी है, बहुत लंबी चलने वाली है। यहाँ पे ना कुछ पहाड़ी वाले फल उग रखे, फली होंगी या पता नहीं, ये देख सकते। मैंने इनको खाया ना और ये कड़वे हुए। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या है ये। तो ना जो फल अभी मैंने आपको बताया था वीडियो में लाल लाल टाइप का, वो मैंने खा लिया था, कड़वा था, पता नहीं कौन सा फल था वो। ससुर जी भी मना कर रहे कि वो खाने के लिए नहीं होता, बट मैंने खा लिया। बची रहूँगी तो ठीक है, और नहीं भी रहूँगी तो तब कर भी क्या सकते। बट मेरा प्रूफ, मेरी वीडियो बता देगी मेरे प्रूफ। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे छाँव में आ रखी थोड़ा बहुत। आजकल सूझ के मैंने तो सास जी लगी हैं घास काटने पे, और मैं भी गई थी परसों, बट आजकल घर में थोड़ा सा काम है ना, इसलिए मैं नहीं गई। और यहाँ पे ना ससुर जी लकड़ियाँ फाड़े, और मैंने इन लकड़ियों को रस्सी में घर ले जाना है इस रास्ते से, रास्ते ही रास्ते। तो यहाँ पे मैं एक बार का भाड़ा ला गई, और फिर जाना होगा मुझे, दोबारा भी जाना पड़ेगा, तिवारा भी जाना पड़ेगा, ये तो मुझे खैर पता है नहीं। और पता है मेरे पीठ पे ना लकड़ी चुभी, तो मैंने अभी ये इस वाले सॉल को ले जा रही ये सामने पे, और भाड़ा भी खोलती हूँ, उसके बाद चलती हूँ दोबारा से। तो दोस्तों अपने बगीचे में आ रखी हूँ मैं मिर्च खोजने के लिए, देखती हूँ कि मिलती है या नहीं मिलती। वैसे तो लगे हैं नहीं, दूर से देखा था मैंने एक, पर पास आके दिखाई नहीं। एक मिर्ची ये रही, एक दो और निकाल देती। चार मिर्च मिली मुझे यहाँ पे, और इधर से एक ककड़ी ढूंढती। मुझे ना घरिया नमक पीसने के लिए मिर्ची तो निकाल दी मैंने, अब धनिया भी निकालती, फिर पुदीने और फिर लहसुन, और यहाँ से इस जाल से एक ककड़ी निकालती हूँ, देखती हूँ कि है कि नहीं है इसमें। ओ ये है, हम दोनों के लिए हो जाएगी ये ककड़ी। या निकालती हूँ, निकाल दी मैंने। एक बहन का ना ये कमेंट आ रखा था, दीदी हमारे लिए भी भेज दो ककड़ी। तो आपके लिए है ये ककड़ी, बट इस पे ना मिट्टी लगी है, उसको मैं साफ कर दूंगी और थोड़ी देर में नमक मिर्च पीसूंगी, और फिर उसके बाद आप वहाँ से, मतलब इधर से मैं खाऊंगी, आप वहाँ से महसूस करना कि मैं खा रही, आपने खाया मैंने खाया, बात तो एक ही है ना बहन। और इधर कुछ कुछ धनिया के पत्ते हैं, उनको निकालती हूँ मैं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी नमक पीसती और उनको भी ककड़ी खिलाती। आपके पीछे मैं हूँ, तो मैंने खाया आपने खाया, बात एक ही है। यहाँ पे ना बहुत सारा पुदीना था, वो भी गायब हो गया, मेरे सास ससुर ने उखाड़ दिया, अब बचा भी नहीं है कहीं पे कुछ। यार यहाँ पे मैंने ना नमक भी निकाल दिया, अब नमक को पीस।
यहाँ पे नमक पीस के भी हो गया तैयार, अब खाते हैं ककड़ी। और ये ककड़ी ना मेरे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए। तो ना शाम के बज चुके हैं 4, मैं जा रही हूँ घास के लिए। ये मेरा जूड़ा है, ये ट्राइपॉड है और ये दथला है, और इधर से नीचे छलांग मारूंगी मैं, क्योंकि पहाड़ों में ना छलांग मारना पड़ता दूसरे खेत में छलांग। देखती हूँ कि ये तो रास्ता है, यहाँ से जाती हूँ नीचे। और आजकल ना बताती हूँ मैं, चूहा हो रखा। मेरे ससुर जी भी आ रखे झाड़ी काटने के लिए, बट मुझे घास ना नीचे वाले खेत में काटना पड़ेगा, इसलिए मुझे दूसरे वाले खेत से जाना पड़ रहा। और मेरे ट्राइपॉड भी टूट गए हैं यहाँ पे। ऐसे हाल हैं हम गरीबों के, कहीं सांप ना हो, यहाँ इतनी भयंकर झाड़ी हो रखी और मुझे ये वाला घास काटना है। आज काटूंगी मैं झाड़ी, वो भी अपने स्टाइल से। कांटा है इसमें। ससुर जी नीचे की साइड पे लगे हैं झाड़ी काटने में, और मैं यहाँ पे। घास तो निकाल दिया मैंने और यहाँ पे लगा दी अपनी भारी। अब भारी को उठाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी भारी भी उठा ली, अब भारी को ले जाके जाती हूँ घर। अब भारी ना ज़्यादा भारी नहीं हो रही। और यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आ गए। हाय करो रे। हाय हाय। ए ये भी जाती है स्कूल ले रहे। हाय ब्रो कनु आता हो दिया कि है ब्रो उन्नति है। स्कूल के बच्चों को देख के ना अपनी स्कूल की याद भी आ गई। खैर अपने स्कूल की याद क्या आनी थी, बट उतने में तो हमें कुछ याद नहीं रहा होगा जितने वो छोटे छोटे बच्चे हैं, बट थोड़ा बहुत आ ही जाती स्कूल की याद। इस सरसों की खुशबू ना इतनी मस्त आ रही खेत से। तो दोस्तों टाइम भी आ गया है वीडियो को एंड करने का। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। मैं सोनी नेगी आपको मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय। जय देव भूमि उत्तराखंड। टाटा बाय बाय।